पंचकुला में हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित सम्मेलन में पूर्व विधायक और सांसद सम्मानित हुए। इस दौरान इनेलो और कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दे उठाए, लेकिन बाद में सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। पंचकुला में सरकार की तरफ से हरियाणा के गठन की गोल्डन जुबली के मद्देनजर विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इनेलो और कांग्रेस के विधायक पहुंचे जरूर, लेकिन दोनों दलों ने बाद में समारोह से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने से पहले इनेलो नेता अभय चौटाला ने गुरुग्राम में मनाए गए स्वर्ण जयंती समारोह पर खर्च राशि को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही इस मौके पर 50 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान नहीं करने पर भी आपत्ति दर्ज की। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी का हवाला दिया। कांग्रेस के मुताबिक पूर्व सैनिक का अंतिम संस्कार होने से पहले इस तरह का आयोजन नहीं करना चाहिए था। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने की बजाय प्रदेश के लोगों का 1700 करोड़ रुपए की कमाई है उसको इस तरह से बर्बाद करने के बजाय उनके खर्च करने का काम करें। अगर आपका यही विषय और फैसला है तो मैं आपके आज के समारोह में जिसमें आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं और मेरी पार्टी के सारे सदस्य आज इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जिस सैनिक को देश के लिए कुर्बानी सरहद पर देनी चाहिए थी, वो मजबूर होकर अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ता हुआ देश की सड़कों पर शहीद हुआ है। ऐसे में जब तक उसकी क्रीमेशन ना हो जाए कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के आरोपों का माकूल जवाब दिया। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम पर महज 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 1700 करोड़ का बजट साल भर में शुरू की जाने वाली 50 योजनाओं पर खर्च होगा। गुरुग्राम के इतने बड़े कार्यक्रम में कुल मिलाकर के 7 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, 7 करोड़ रुपए, और इनका प्रचार क्या 1700 करोड़ रुपए का खर्च है, 1700 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और योजनाएं बढ़ने वाली हैं। बात कही गई 50 बड़ी घोषणाओं की। मित्रों, ये घोषणाएं वर्ष भर के काम करने की घोषणाएं हैं, एक। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कुछ योजनाओं का ऐलान हो चुका है, जबकि बाकी योजनाओं का भविष्य में ऐलान किया जाएगा। भिवानी से महेंद्र सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सी मीडिया।